हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हेयर केयर पे है, और ये जो हेयर केयर की टेक्निक है ये मैं जावेद हबीब वाली यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। उन्होंने ही बताया है कि हमारे जो इंडिया है, आपने टीवी पे भी देखा होगा, आपने वेद पुराण भी पढ़े होंगे, देखा होगा कि पहले के जो लोग थे, यानी कि जो रानी महारानियां थीं या फिर हमारे जो भगवान थे या उनकी जो रानियां थीं, वो अपनी जो पूरी फुल बॉडी है वो मिल्क से वॉश करते थे, यानी वो दूध से नहाना प्रेफर करते थे, अपने हेयर्स को, इवन बालों को भी दूध से नहाना, दूध से धोना पसंद करते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, आज के जनरेशन में हम दूध नहीं प्रेफर करते, हम दूध से बनी चीज़ें प्रेफर करते हैं। जैसे कि हम कोई भी शैम्पू प्रेफर करते हैं तो देखते हैं कि वो मिल्क से बना हुआ है या किस चीज़ से बना हुआ है, यानी हम अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, जबकि हमारे इंडिया में दूध की कोई कमी नहीं है। हम अब चाहें तो दूध से अपने बालों को फुली वॉश कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। जबकि जावेद हबीब जी ये कहते हैं कि आपको अपने बालों को मिल्क से ही वॉश करना चाहिए, यानी कि जब हमारे पास ओरिजिनल चीज़ अवेलेबल है तो हम अल्टरनेटिव चीज़ों पे क्यों जाएं? जब अल्टरनेटिव चीज़ों पे हमें तब जाना चाहिए जब हमारे पास ओरिजिनल चीज़ ना अवेलेबल हो। लेकिन हमारे इंडिया में टचवुड इतना ज़्यादा मिल्क अवेलेबल है कि हम चाहें तो फुल बॉडी भी वॉश कर सकते हैं। लेकिन ऐसी मान्यता भी हमारे यहाँ कि हमें दूध को नाली में नहीं बहाना चाहिए, तो ये चीज़ भी हो गई। तो इन चीज़ों का मैं सोचा कि मैं क्या करूं कि मैं अपने बालों में मिल्क भी लगा पाऊं और ज़्यादा दूध की बर्बादी भी ना हो। तो मैंने सोचा कि दूध की बर्बादी भी ना हो और मैं अपने बालों से, मतलब बालों को दूध से वॉश भी कर सकता हूँ। और मैं जस्ट अभी मैंने वॉश करे ही है बाल, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। और मैंने यहाँ पर कंडीशनर तक भी अप्लाई नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए। तो मैंने ऐसा क्या किया कि दूध की बर्बादी भी नहीं हुई है और बहुत अच्छे से मेरे बालों पर, फुल बाल पर मिल्क भी मैंने लगा लिया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो। The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose, each painful but delightful to live through. तो फ्रेंड्स, देखा कितना अच्छा था ये। और ये जस्ट जावेद हबीब ने ही बोला है कि आपको अपने बालों को मिल्क से ना, मतलब पूरा वॉश करना चाहिए, जिससे वो एक ओरिजिनल कंडीशनर आएगा। और जब चीजें अवेलेबल हैं तो हम अल्टरनेटिव चीजों पे क्यों जाएं? तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में एक जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सकें। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।